हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई विनय राजपूत एंड मैं आज आपसे प्रोटीन पे बात करूंगा। प्रोटीन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, एमिनो एसिड मैंने बता दिया, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, मैंने समझा दिया लास्ट क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं जो भी लोग नए हैं, ठीक है उसको रेफर कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर को, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगी। आज मैं आपको आगे से पढ़ा रहा हूँ कि आगे हम लोग क्या पढ़ना है प्रोटीन में, और प्रोटीन कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, प्रोटीन से क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। जैसे सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन में क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये क्वेश्चन था आपका। लेकिन साथ में और भी कुछ होते हैं, फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, आयरन भी होते हैं, और भी सारे चीज होते हैं, लेकिन आपका तो नॉर्मल क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है कि नहीं, तो होता है प्रोटीन के अंदर, ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन आया था। बट अब जो है पुराना क्वेश्चन नहीं है, अब जो है लेवल बढ़ चुका है। एंटीबॉडीज, आप जो नाम सुनते हो एंटीबॉडीज, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी होते हैं, वो प्रोटीन के ही बना होता है एंटीबॉडी भी, तो इसीलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। आप जैसे जानते हो कि बॉडी के अंदर आज इम्यून सिस्टम का बहुत सारा चल रहा है काम, तो मैं इम्यून सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी की है उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जब समय आएगा तो मैं डिजीज के बाद ये सारी चीजों को डील करूंगा, बट उसके लिए मुझे आपको ये बेसिक चीजें वहां पे भी यूज होगी। आप जानते हो कैसीन प्रोटीन होती है, मिल्क में कैसीन प्रोटीन होती है, उसकी डाइजेशन के लिए रेनिन एंजाइम है, तो वही बात है, एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट लिपिड, यही सारी चीजें चल रही है। तो आपको पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में जाके आपको पता चलेगा मैं क्या दिया हूं, और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यूपीएससी का क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट क्लास में मैंने कराया, एमपीपीएससी, पीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, इन तीन का मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, क्या क्या आए हुए हैं, तब आपको पता चलेगा जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है किस तरीके से यूज हो रही है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, प्रोटियोस, ठीक है, प्रोटियोस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रैंक, रैंक फर्स्ट, फर्स्ट रैंक, उत्तीर्ण, प्रथम, प्री एमिनेंट बोल सकते हो, है ना, प्री एमिनेंट, मैंने बताया भी था प्री एमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस खाने में प्रोटीन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो खाना अच्छे क्वालिटी का माना जाएगा, इसलिए प्रोटीन जिस खाने में ज्यादा है वो खाने की क्वालिटी, वो फूड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी है, इसलिए प्रोटीन को फर्स्ट रैंक बोलते हैं, उत्तीर्ण, प्रथम स्थान का, है ना। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि खाने की क्वालिटी में अगर बात करते हो तो अगर प्रोटीन ज्यादा है तो वो अच्छे क्वालिटी का खाना माना जाता है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो ओहियात क्वालिटी का खाना माना जाता है, अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स में उतना नहीं पाया जाता है, पाया जाता है लेकिन कम है, नॉन वेज सोर्स में ज्यादा प्रोटीन होते हैं, और वेजिटेरियन सोर्स की बात करोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जिस खाने में ज्यादा है वो खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है, उसके आधार पर प्रोटीन को फर्स्ट रैंक बोलते हैं, प्री एमिनेंट है, प्रथम है, प्रथम रैंक का है ये बोलना जाता है, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको बार बार, ठीक है, प्रोटीन का ये मतलब है। प्रोटीन में क्या क्या होता है, प्रोटीन में आपको कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन तो आ चुका है यूपीएससी में, और भी चीजें होते हैं, सल्फर फास्फोरस आयरन और भी चीजें होते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, ये क्या होता है इतना ध्यान रखना है। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, है ना, तो एमिनो एसिड्स की बात कर लूं, एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, है ना, किससे बनते हैं प्रोटीन, एमिनो एसिड से बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन वाज डिस्कवर्ड बाई बर्जीलियस, ठीक है, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बर्जीलियस को, ठीक है, एंड मोल्डर, ठीक है। वैसे एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो बर्जीलियस ने डिस्कवर किया था, लेकिन मोल्डर ने प्रोटीन शब्द को अपने एक किताब में ऑफिशियली यूज किया था, ठीक है, बस ये जानकारी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने यूज किया था बट इन्होंने एक्चुअली डिस्कवर किया था, ठीक है, ये प्रोटीन की बात है। प्रोटीन वाज डिस्कवर्ड बाय बर्जीलियस एंड मोल्डर। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बनते हैं, मैंने बता दिया एमिनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब कुछ समझा दिया है, 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, दो और नए खोजे गए हैं, ठीक है। प्रोटीन में मैंने बताया था क्या होता है, कार्बन, समझते जाओ, पेप्टाइड बॉन्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अब, कार्बन जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझाया था उसी हिसाब से, कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज साइड चेन, दिस इज COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज एमिनो ग्रुप, ठीक है, ये हो गया, ये प्रोटीन है, प्रोटीन है क्या, नहीं, दिस इज एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड का क्या है, बैकबोन है, आर बदलिए, अलग अलग एमिनो एसिड लीजिए, मैंने सब कुछ समझाया है, आर बदलिए,
अलग अलग टाइप के एमिनोसिड आपको मिल जाएंगे, 300 से ज्यादा एमिनोसिड होते हैं, मैंने आपको बताया था। आर जैसे आर की जगह पे साइड चेन है ये, इसको एच रखोगे ये सिंपलेस्ट एमिनोसिड बन जाएगा ग्लाइसिन। आर की जगह पे एच रखो और भी चीज रखो, रखते जाओगे अलग अलग एमिनोसिड बनते जाएंगे। तो आर का खेल है, सब साइड चेन बदलिए और अलग अलग एमिनोसिड लीजिए, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। इसमें आप जोड़िए एक अलग एमिनो एसिड और जब जुड़ेगा कोई चीज, अब मैंने आपको बार बार बताया है, जब चीजें जुड़ती हैं तो यहां पे वाटर बाहर निकलेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था कि ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ रहा था तो क्या हो रहा था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही थी लेकिन वाटर बाहर निकल रहा था। उसी तरीके से एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन है, जुड़ रहा है, वाटर बाहर निकलेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो यहां देखो, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। अलग एमिनो एसिड है, आर में साइड चेन वही रख रहा हूं, आर बदलेंगे एमिनो एसिड बदल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आर के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया और सी डबल ओ एच, ये हो गया। अब देखो सी डबल ओ एच को हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्म में, ठीक है, ये फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहां पर क्या करना है कि यहां पर आपको ये दोनों जुड़ेंगे तो ओ एच एच, ये क्या है, वॉटर बाहर निकलेगा, H2O हो गया ना, H H H2 एंड O, H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगी, थोड़ा सा यहाँ और शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाली है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगी, ठीक है। देखो ये NH2 वहां पे सी एच आर साइड चेन हो गया, उसके पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि वाटर बाहर निकल गया, पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाली है, वाटर बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है, दो एमिनोसिड जुड़ेंगे, एक बॉन्ड बनेगी जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड और वाटर बाहर निकलेगा। मैंने समझाया बार बार, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी समझाया था, ठीक है, ये समझना है आपको। और ये देखो बचा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बचा और एन एच बचा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, बाकी तो ये बाहर निकल गया एच टू ओ के फॉर्म में, और फिर ये बचा सी एच आर सी डबल ओ एच, ठीक है, यही बचा, ठीक है, ये सारा चीज बचा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, वाटर बाहर निकल गया, ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिया, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, यहाँ एन एच ऊपर है, मैंने नीचे दिखा दिया एन एच, और बाकी ये वाला पोर्शन मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, सीओ एन एच, ठीक है, ऐसा भी दिखा देगा CO NH पेप्टाइड बॉन्ड, या यहां देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, इस O जो है यहां पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो, C डबल बॉन्ड O NH, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो CO NH, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। कोवैलेंट बॉन्ड आपको समझाऊंगा, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, डिस्पर्जन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको समझाना है मुझे, डाइपोल बॉन्ड क्या होता है, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, दो एमिनो एसिड जुड़ा, वाटर बाहर निकला, पेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। ये तो दो मैंने एमिनो एसिड जुड़ा ना, दो एमिनो एसिड मैंने दिखाया है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, ऐसे तो कितने एमिनो एसिड होंगे, जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, सीधी सी बात है, समझ सकते हो। आगे यही प्रोसीजर आगे तक जाएगी, चेन बनेगी, एक पूरी की पूरी श्रृंखला बनेगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो पेप्टाइड जो मैंने आपको समझाया, जो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बताया, पॉलीपेप्टाइड जब सुनते हो उसको नॉर्मली हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, पॉलीपेप्टाइड को नॉर्मली हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, पॉली मींस मेनी, पेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड हैं, तो लॉन्ग चेन है पेप्टाइड का, तो प्रोटीन हो गया पॉलीपेप्टाइड। लेकिन भैया कोई जरूरी है कि लॉन्ग ही चेन हो, तीन एमिनो एसिड नहीं हो सकते हैं क्या, ट्राईपेप्टाइड नहीं हो सकता है क्या, टेट्रापेप्टाइड नहीं हो सकता है क्या, छोटे पेप्टाइड भी तो हो सकते हैं ना, तो ये छोटे पेप्टाइड भी होते हैं। लेकिन जब लंबे पेप्टाइड्स होंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड हैं जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो पॉलीपेप्टाइड बोलोगे, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, उसी को नॉर्मली हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं दुनिया में, नेचर में सिंपलेस्ट पेप्टाइड भी होते हैं, सिंपल पेप्टाइड भी होते हैं, वो भी हैं, उनको भी ध्यान रखना, जैसे ग्लूटाथियोन है सिंपल पेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड होता है वो, है ना, ब्रेडिकाइनिन है सिंपल पेप्टाइड है, उसी तरीके से आपको एंजियोटेंसिन है सिंपल पेप्टाइड है, ऐसे सिंपल पेप्टाइड भी होते हैं, ठीक है ना। और पॉलीपेप्टाइड जो होगा उसमें तो लंबी चेन होगी, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे, और जो सिंपल पेप्टाइड होगा उसमें तीन एमिनो एसिड होगा, किसी में आठ होगा, किसी में नौ होगा, ऐसे भी होते हैं, सिंपल पेप्टाइड होंगे वो, और जब ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जिसको प्रोटीन के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। तो ये आपको जानना है। अब बता दूं आपको, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी वेट का लगभग 16% अकाउंट करता है, लगभग 12% 13% 14% 15% ऐसा लिखा रहता है, 16% आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 16% ऑफ बॉडी वेट, 16% ऑफ बॉडी वेट क्या है, प्रोटीन हमारा,
प्रोटीन जो है 16% ऑफ बॉडी वेट है, ठीक है। और स्पारुलिना की बात करूं, अलगी है, स्पारुलिना एंड क्लोरेला 90% जो इसका बॉडी वेट है इनका, ये अलगी है, सवाल है एक तरीके से, सवाल पढ़ाऊंगा आपको जब मैं फाइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, सवाल पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है, रेड अलगी होती है, ब्राउन अलगी होती है, ग्रीन अलगी होती है, तो ये ग्रीन अलगी का पार्ट है एक तरीके से। तो ये अलगी जो मैं बता रहा हूं, ये एक स्पारुलिना क्लोरेला, इसके अंदर क्या कहानी है कि 90% अगर देखोगे 90% ऑफ इट्स बॉडी वेट इज प्रोटीन, 90% ऑफ इट्स बॉडी वेट, इनका बॉडी वेट का 90% बॉडी वेट का 90% प्रोटीन होता है, 90% ऑफ बॉडी वेट इज प्रोटीन, इसीलिए इसको यूज करते हैं स्पेस फूड में, स्पेस फूड में हम जब स्पेस में जाते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो 90% ऑफ इट्स बॉडी वेट, इनके बॉडी वेट का 90% तो प्रोटीन ही है, यानी खाली से प्रोटीन ही प्रोटीन भरा हुआ है इसके अंदर, तो समझ रहे हो ना, इसलिए स्पेस में यूज करते हैं। स्पेस में और भी अलगी यूज करते हैं, है ना, वो अलगी मैं फाइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो वहां पर और चीजें बता दूंगा आपको, ठीक है। बट ये दो यहां पर आया तो मैंने आपको बता दिया, स्पायरुलिना एंड क्लोरेला, स्पायरू LINA, स्पायरुलिना एंड क्लोरेला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 90% इनका बॉडी वेट का तो प्रोटीन ही होता है, यानी कि ये मैक्सिमम प्रोटीन ही है, ये दोनों के दोनों अलगी एक तरीके से प्रोटीन ही है, एक तरीके से मैक्सिमम पार्ट इसका तो प्रोटीन है बॉडी का, ठीक है ना, इसलिए स्पेस में यूज करते हैं। क्यों नहीं स्पेस में, क्यों खाना क्यों नहीं लेके जाता है, आने दीजिए स्पेस में पढ़ाऊंगा, साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट में स्पेस में पढ़ाऊंगा कि खाना क्यों नहीं लेके जाते हैं और क्यों प्रोटीन हम ये यूज करते हैं स्पेस फूड में, और कौन कौन से प्रोटीन है जो स्पेस फूड में यूज किया जाता है, ठीक है ना, आने दीजिए स्पेस के पार्ट में जब पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस, किसी को पता होगा स्पेस का मतलब क्या होता है, बताएंगे। प्लीज 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 कार्बन रेखा से मत बताना, कार्बन रेखा को बताना होगा 100 किलोमीटर में स्पेस है, कार्बन रेखा 100 किलोमीटर होती है ऊपर, अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर उसके ऊपर स्पेस बोलते हैं, लेकिन रीजन क्या है इसके साथ आंसर देना, और कार्बन रेखा के अलावा स्पेस को डिफरेंशिएट करने के लिए और क्या आंसर बोल सकते हो, और क्या आंसर दे सकते हो बताएंगे। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ये सारी चीजें पता नहीं है, लोग कार्बन रेखा बता देते हैं बस, क्यों क्यों कार्बन रेखा, क्यों 100 किलोमीटर पे कार्बन रेखा के बाद आप बोलते हो कि स्पेस है, क्यों, व्हाई व्हाई, इसका रीजन क्या है, रीजन बताऊंगा मैं, किसी को पता है तो जरूर आंसर करेंगे यूट्यूब कमेंट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, ठीक है। पढ़ रहे हो, निकालना है यूपीएससी, आंसर करेंगे, जरूर करेंगे, मैं अपने तरफ से कर रहा हूं, आपको सब कुछ पढ़ा कर दूंगा, आपकी आपकी जो यहां पे है आप अभी जाके सर्च करें, जहां भी कर सकते हैं उसको पढ़ें और मुझे आंसर करें। बाकी जब स्पेस में आऊंगा आपको बताऊंगा, एक रीजन ही दूंगा, कार्बन रेखा ही नहीं बताऊंगा, और भी कुछ कारण बताऊंगा आपको कि और क्या है स्पेस को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, समझ में आएगी आपको। तो ये हो गया, दो पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट कुछ पेप्टाइड्स की बात मैंने कर ली, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको इसेंशियल एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल बता दिया, बताया कि प्रोटीन किससे बनते हैं, सब कुछ बता दिया, ठीक है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे एमिनो एसिड के चेन से मिलके प्रोटीन बनता है जिसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। लेकिन भैया छोटे पेप्टाइड भी होते हैं, छोटे पेप्टाइड भी होते हैं, सुन लो कौन कौन है इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स, छोटे पेप्टाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स की बात कर रहा हूं। देखो पहला जो नाम ले रहा हूं ना, इसके बारे में मैं आधा घंटा तक लेक्चर ले सकता हूं, पहला जो नाम ले रहा हूं इसके बारे में, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, मार्केट में तो आजकल गोरे बनने के लिए यही यूज हो रहा है, हर टैबलेट में, हर सीरम में आप देखोगे, हर सोप में ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है ये, ठीक है, छोटा पेप्टाइड है, ट्राई पेप्टाइड है ये, ट्राई ट्राई पेप्टाइड, ट्राई मतलब तीन, तो छोटा पेप्टाइड है, स्मॉल पेप्टाइड, बड़ा पेप्टाइड नहीं है, जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं तो बड़े पेप्टाइड है, वो प्रोटीन बोले जाते हैं, ये तो छोटे पेप्टाइड है, तीन एमिनो एसिड से बना है, तीन एमिनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन, तीन एमिनो एसिड है, बार बार ये एमिनो एसिड समझाया है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ये, सब कुछ समझा दिया मैंने एमिनो एसिड, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ है ये तीन, इसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो छोटा पेप्टाइड है ना, ट्राइपेप्टाइड बोल रहे हैं, छोटा पेप्टाइड है ये, ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड है, पेप्टाइड बड़े भी होते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, उसको प्रोटीन बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड को, लेकिन छोटे पेप्टाइड भी हमारे पास है, तीन एमिनो एसिड से बने हुए, उसको ट्राइपेप्टाइड बोल रहे हैं, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन से बना हुआ है, ग्लूटाथियोन जो कि एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है, ये इस, हम लोग बहुत ही स्किन लाइटनिंग क्रीम, फेयरर होने के लिए, गोरे होने के लिए बहुत यूज किया जा रहा है इसका, इसकी बहुत बातें हैं, बहुत बताया जा सकता है, लेकिन अभी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता दे रहा हूं आपको। बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह जानना है कि ग्लूटाथियोन जो है ये बहुत सारे एनिमल में
फीडिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ग्लूटाथियोन, फीडिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है ग्लूटाथियोन, ये ध्यान रखना है, ग्लूटाथियोन फीडिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे फिल्टर फीडर पे क्वेश्चन आया इस बार, फिल्टर फीडर कौन है, फिल्टर फीडर पता है, बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको किंगडम एंड एनिमल किंगडम, तो बताऊंगा फिल्टर फीडर कौन कौन होते हैं। तो फिल्टर फीडर तो आया ना, उसी तरीके से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये फीडिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है एनिमल के अंदर, इतना ध्यान रखना है ग्लूटाथियोन के बारे में। और क्या ध्यान रखना है, ये को एंजाइम की तरह काम करता है, एंजाइम नहीं को एंजाइम, प्रोटीन के बाद एंजाइम भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। को एंजाइम क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, तो इट एक्ट्स एज को एंजाइम, ये को एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है, मेंटेन्स आरबीसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या क्या करता है, इट acts as coenzyme, समझाऊंगा एंजाइम और coenzyme में क्या अंतर होता है। इट मेंटेन्स आरबीसी, ये पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं छोटे पेप्टाइड का, कुछ छोटे पेप्टाइड है वो समझ लो, ग्लूटाथियोन समझा रहा हूं अभी। इट मेंटेन्स आरबीसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है झिल्ली है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर को आरबीसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। हेमोग्लोबिन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम H2O, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हेमोग्लोबिन को बचाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। इसका क्या मीनिंग है, केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडेशन समझोगे, किसी चीज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, किसी चीज को रिड्यूस किया जाता है, तो इसको यहां ध्यान रखना है। बाकी ऑक्सीडेशन क्या होता है केमिस्ट्री में समझा दूंगा। हेमोग्लोबिन को यह बचाता है, हेमोग्लोबिन को बचाता है H2O से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, क्यों, क्योंकि H2O2 हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो ग्लूटाथियोन बचाता है, क्या बताना है, हेमोग्लोबिन इट प्रिवेंट करता है, ये मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट हेमोग्लोबिन फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बचाता है हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन ग्लूटाथियोन बचा लेता है इस चीज से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या ऑक्सीडाइज होता है बता दूंगा, चिंता नहीं करना, ही केमिस्ट्री की बात है, ठीक है, ये हो गया ध्यान। उसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद आपको ये कुछ चीजें और बता देता हूं मैं, अभी आपको ध्यान रखना है ग्लूटाथियोन के बारे में बता रहा हूं मैं, आधे घंटे नहीं एक घंटे तक पढ़ा सकता हूं, स्किन से रिलेटेड है, मैं अगर बोलना, कुछ लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं बोलना चालू हो गया स्किन रिलेटेड चीजें तो फिर घंटों तो बता सकता हूं उसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में इतना जान लो, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है मास्टर। अब क्या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मैं समझाऊंगा आपको। सिस्टीन ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको ट्राई पेप्टाइड बोल रहे हो, छोटा पेप्टाइड है, ठीक है, ये बड़ा पेप्टाइड नहीं है, छोटा पेप्टाइड है, ठीक है। और उसके बाद इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि गामा ग्लूटामिन सिस्टीन ग्लाइसिन भी कहते हैं, गामा ग्लूटामिन सिस्टीन ग्लाइसिन, ठीक है ना, इसको गामा ग्लूटामिन सिस्टीन ग्लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बॉडी में अपने आप बनता भी है और लोग बाहर से ठूसते भी हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, सोप लगा लगा के, टैबलेट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से डालते भी है, ये गड़बड़ हो जाती है कहानी, ठीक है, गोरा होने के लिए ज्यादातर चल रहा है आजकल मार्केट में, साबुन में, सोप में, पर क्या कहते हैं सीरम में, है ना, बहुत क्रीम्स में बहुत जगह यूज की जा रही है, गोरा हो जाऊं, इसका कहानी मैं बता दूंगा कभी कि क्यों इसको गोरा थाने के लिए यूज किया जाता है, क्यों गोरा बनने के लिए यूज किया जा रहा है ग्लूटाथियोन को, ठीक है। तो इसको ट्राइपेप्टाइड है, गामा ग्लूटामिन सिस्टीन ग्लाइसिन भी कहते हैं इसको, गामा ग्लूटामिन सिस्टीन ग्लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा ये मार्केट में चल रहा है, ये कभी भी घुसा के पूछ देगा, बाकी इसका देख लिया बायोलॉजी में क्या यूज हो रहा है, बाकी देख लो मार्केट में क्या यूज है इसका, है ना। देखो अल्जाइमर डिजीज होती है, अल्जाइमर पढ़ाऊंगा, अस्थमा होती है पढ़ाऊंगा, सब कुछ सुनते जाओ जो पढ़ा रहा हूं, अल्जाइमर डिजीज, अस्थमा होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है, डायबिटीज होता है, हार्ट डिजीज होती है, हेपेटाइटिस होती है, लिवर डिजीज होती है, ये सारे डिजीज, पार्किंसन डिजीज होता है, ये सारे डिजीज में ग्लूटाथियोन यूज होता है, गोरा होने के अलावा भी ग्लूटाथियोन कितने जगह यूज है, कहां कहां लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर, ये सब पढ़ना भी हमें, और बड़ा मार्केट में यूज हो रहा है इसका अल्जाइमर, ये पढ़ाऊंगा अल्जाइमर क्या मेमोरी से रिलेटेड चीज है इसके अंदर, ठीक है, अल्जाइमर, अस्थमा, आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ाऊंगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस में भी ये यूज किया जाता है ग्लूटाथियोन को, ठीक है ना, डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में है ना, हार्ट डिजीज में यूज करते हैं, डायबिटीज में यूज करते हैं, लीवर डिजीज में यूज करते हैं, लीवर का कोई प्रॉब्लम है वहां पे भी यूज होती है लीवर डिजीज में, पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसन की मैं एक जगह बात भी किया था याद होगा, पार्किंसन में यूज किया जाता है, ठीक है ना,
एमिनो एसिड में मैंने पढ़ाया था पार्किंसन डिजीज में यूज होता है, क्या यूज किया था मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये ग्लूटाथियोन भी यूज करते हैं जो कि ट्राइपेप्टाइड है, इन चीजों से बना हुआ है, ये यहां यहां यूज किया जाता है, ठीक है। गोरा होने के अलावा भी यहाँ यहाँ बीमारियों में यूज किया जाता है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैंसर एंड क्रोनिक कंडीशन में ग्लूटाथियोन इंजेक्शन यूज करते हैं, कैंसर हुआ या क्रोनिक कंडीशन है, कुछ लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, तो कैंसर हुआ या क्रोनिक कंडीशन है उसमें भी ग्लूटाथियोन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज ए मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं। सेल को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो सेल को ये क्या करता है, सेल को डैमेज होने से बचाता है, सेल को डैमेज एक्सपोज्ड केमिकल से बचाता है, ठीक है। तो सेल को क्या करता है कि डैमेज होने से बचाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। अभी फ्री रेडिकल अगर आपने सुना नहीं होगा, है ना, फ्री रेडिकल बॉडी में बनते हैं जो कि कैंसर करने के लिए योगदान देते हैं, कैंसर करते हैं ये, ठीक है, फ्री रेडिकल्स उसको डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा समझ लो, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या होता है फ्री रेडिकल्स, केमिस्ट्री में समझाऊंगा, इधर समझाने वाली पार्टी नहीं है फ्री रेडिकल को, ठीक है ना, तो वहां पे समझाऊंगा, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन के बारे में, सेल को डैमेज एंड एक्सपोज केमिकल से बचाता है, कुछ केमिकल्स कुछ टॉक्सिन्स को होते हैं बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है ग्लूटाथियोन, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सेल को डैमेज होने से और एक्सपोज्ड केमिकल से बचाता है, सेल जो किसी केमिकल के एक्सपोजर में है उससे भी बचाता है। इट स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम, अब लिखूंगा नहीं, कितना लिखूं, इट स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, लिखते जाओ, ये सब कुछ लिख दिया, अब इसके अलावा लिखते जाओ, इट स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन स्किन, स्किन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी कम करता है। क्या है ऑक्सीडेटिव, मैंने बार बार बोला, देखो इधर मैंने यूज किया था ऑक्सीडेटिव, यूज किया हूं कहीं पे, क्या हूं ना, ये देखो ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन में होती है उसको भी बचाता है ये, उससे भी बचाता है। तो इट रिड्यूसेस, ग्लूटाथियोन रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन स्किन, स्किन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। उसके बाद इट डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल, मैंने बताया था एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करेगा। क्या होता है फ्री रेडिकल, केमिस्ट्री में समझाऊंगा, यहां पे समझ लो, उसको डिस्ट्रॉय करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इट डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल्स एंड रिमूव हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, आपके बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और फ्री रेडिकल जो कि कैंसर करने के लिए जिम्मेवार है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, एंटीऑक्सीडेंट है इसीलिए, ठीक है। ग्लूटाथियोन ये हो गया, आपको ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, एक तरीके से फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो कि कैंसर करते हैं फ्री रेडिकल उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, आप समझ लियो, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, मार्केट में गोरा होने के लिए यूज किया जा रहा है आजकल, लेकिन इतने यूजेस भी इसके हैं गोरा होने के अलावा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बताऊं तो ग्लूटाथियोन जो है, ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट से हमारी बॉडी का ग्लूटाथियोन लेवल, जो भी ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट ले रहा है गोरा होने के लिए, मार्केट में चल रहा है, तो ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में भी बनती है, लीवर में बनता है ग्लूटाथियोन, तो ग्लूटाथियोन जो हमारी बॉडी में बनती है, क्या होता है ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट जो लिया जा रहा है, ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट से हमारी बॉडी का जो ग्लूटाथियोन लेवल है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बॉडी बनाना छोड़ देगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कारण है, ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट लोगे तो भी आपके बॉडी का ग्लूटाथियोन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी बनाना छोड़ देगी, है ना, क्योंकि बाहर से आप ले रहे हो ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट टैबलेट के फॉर्म में, और उसके अलावा इंजेक्शन के फॉर्म में। उसके बाद अगर पॉल्यूशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, आप पॉल्यूशन में ज्यादा रह रहे हो, स्ट्रेस ज्यादा है, इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ग्लूटाथियोन का लेवल बॉडी में कम होती है। पॉल्यूशन जानते हो, इन्फेक्शन, स्ट्रेस हो रही है लोगों को, उसमें भी ग्लूटाथियोन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जो बॉडी के अंदर बनती है ना उसमें लेवल में कमी आ जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो बाहर से आप इंजेक्शन में डाल रहे हो, टैबलेट के फॉर्म में डाल रहे हो, अगर वो डालोगे तो बॉडी बनाना बंद कर देगी, ध्यान रखना। तो ये ग्लूटाथियोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने डिजीज में यूज हो रही है, इतना काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को मार रहा है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्किन की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम कर रहा है, कितना तो काम कर रहा है, सोच रहे हो, लेकिन लोग तो गोरा होने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, बताऊंगा गोरा होने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, अब उसको आपको क्या समझना है कि ग्लूटाथियोन जो है लीवर में बनता है, इतना ध्यान रखना, लीवर में बनता है, मैंने समझाया भी था, एमिनो एसिड की कहानी मैंने समझाई थी, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड लीवर में बनते हैं, ठीक है। ये तो ट्राइपेप्टाइड है, छोटे पेप्टाइड है, तीन एमिनो एसिड से बना हुआ है, तो ये लीवर में बनता है। और ये डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस हुआ कुछ प्रोटीन बनाने में, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाने में। अब प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या होता है समझाऊंगा, सब समय आएगा, अभी सुन लो सिर्फ। डीएनए सिंथेसिस में, प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाने में, प्रोटीन बनाने में, एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए, इंटेस्टाइन में, आंतों में, अपने आंतों में, इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूटाथियोन।
तो क्या है, एमिनोसिड का ट्रांसपोर्ट कराता है, ध्यान रखना है, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनोसिड, एमिनोसिड का ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, ये एमिनोसिड को ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन में, वहां पे भी रोल है इसका, डीएनए सिंथेसिस में भी रोल देता है, प्रोटीन बनाने में रोल निभाता है, उसके अलावा आपको बात करूं तो प्रोस्टाग्लैंडिंस में भी रोल करता है, प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनाने में भी रोल करता है, इतने जगह इसका रोल है, ठीक है। और एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी रोल करता है ग्लूटाथियोन, एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी रोल करता है ग्लूटाथियोन, ठीक है। और मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है उसके लिए ग्लूटाथियोन बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है, बॉडी के हर सिस्टम के लिए जरूरी होता है, बॉडी के हर सिस्टम के लिए जरूरी होता है, देखो ना कितना काम है इसका, बॉडी के हर सिस्टम के लिए जरूरी है, बॉडी मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शन में भी बहुत जरूरी होता है ये। ग्लूटाथियोन की कमी से इम्यून सिस्टम की बात करो, ग्लूटाथियोन की अगर कमी होगी आपके बॉडी में, बॉडी बनाना छोड़ दी है, तो ग्लूटाथियोन की कमी से इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम इफेक्ट हो सकती है। ग्लूटाथियोन की अगर कमी हो गई तो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, पढ़ाऊंगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम सब प्रभावित हो जाएंगे अगर ग्लूटाथियोन की कमी हो गई बॉडी में, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि आपको पता रहना चाहिए सारी चीजों के बारे में, बड़ा मार्केट में चल रहा है गोरा होने के लिए, इसे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए बहुत मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, सिस्टीन ग्लाइसिन की जो मैं बात कर रहा हूं, सिस्टीन ग्लाइसिन ग्लूटामिक एमिनोसिड, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, किसमें सल्फर होता है, मैंने बताया था सल्फर प्रेजेंट होगा, सल्फर अगर होगा एमिनोसिड में, जैसे सिस्टीन उस्टीन मैंने बताया है, ग्लूटामिक एसिड और ये सिस्टाइन बताया है, तो किसमें सल्फर है बताओगे, अगर किसी में सल्फर है, मैंने बताया है किसमें सल्फर होता है, तो अगर सल्फर है ग्लूटाथियोन में, अगर ग्लूटाथियोन सिस्टीन ग्लाइसिन ग्लूटामिक एमिनोसिड से बना हुआ है और सल्फर अगर प्रेजेंट है इनमें, तो ये सल्फर स्पॉन्ज की तरह भी काम करता है, सल्फर स्पॉन्ज किस तरह से काम करता है, सल्फर स्पॉन्ज की तरह किसी भी टॉक्सिन को साथ में अटैच हो जाता है, कोई भी टॉक्सिन है तो टॉक्सिन के साथ में सल्फर स्पॉन्ज अटैच हो जाएगा, सल्फर का जो स्पॉन्ज बना हुआ है वो अटैच हो जाएगा टॉक्सिन के साथ, और आवर बॉडी से हार्मफुल केमिकल को क्या करेगा, निकालने में मदद करेगा, जो भी हार्मफुल केमिकल है अपने बॉडी से निकालने में मदद करेगा, तो इसके अंदर में जो सल्फर है वो सल्फर स्पॉन्ज की तरह काम करता है और बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है, ये सल्फर की बात कर रहा हूं, कुछ फायदा समझ में आया, अभी तो सोचते थे कि सल्फर पॉल्यूशन पॉल्यूशन, अभी कुछ देखो कितना काम आ रहा है सल्फर, ठीक है ना, इसलिए सल्फर की बात करते रहता हूं, एक बड़ा सल्फर में घुसे रहते हैं यूपीएससी के मेंबर और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर वगैरह, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सल्फर स्पॉन्ज की तरह भी किसी भी टॉक्सिन के साथ जुड़कर अटैच हो जाता है और आवर बॉडी से, हमारे बॉडी से हार्मफुल केमिकल को निकालने में मदद करता है, ये ध्यान रखना है। इट आल्सो हेल्प्स इन साइटोकाइन प्रोडक्शन, साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है आपने सुना होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म मैंने बताया है कोरोना में, तो ये साइटोकाइन इम्यून सेल्स होते हैं, प्रोटीन होता है एक तरीके से, जरूरी है, इम्यून सिस्टम अगर सही है तो साइटोकाइन बनना चाहिए, ज्यादा बन जाए एक ही समय पे तब जाके दिक्कत होती है, उसी को स्टॉर्म बोलते हैं, तो साइटोकाइन बनना चाहिए, प्रोटीन होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाती है कि आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है, ठीक है। तो साइटोकाइन जो है इट आल्सो हेल्प्स इन, ग्लूटाथियोन जो है इट आल्सो हेल्प्स इन साइटोकाइन प्रोडक्शन, साइटोकाइन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी में साइटोटॉक्सिक सेल कम होने लगती है, साइटोकाइन प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे हमारी बॉडी में साइटोटॉक्सिक सेल कम होने लगती है, ये लिख लो, इतने प्यारा तरीके से बता रहा हूं मैं, जितना लिखना था मैंने लिख लिया, अगर लिखने लगूंगा ना तो आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं सारा चीजें, लिख सकते हो है ना, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इट आल्सो हेल्प्स इन साइटोकाइन प्रोडक्शन में हेल्प करता है जिससे हमारी बॉडी में साइटोटॉक्सिक सेल कम होने लगती है, साइटोटॉक्सिक सेल टॉक्सिक जुड़ा है ना, खराब है, साइटोटॉक्सिक सेल कम होने लगती है, ठीक है, इसके कारण, ठीक है, साइटोकाइन प्रोडक्शन बढ़ाता है इसके कारण। ग्लूटाथियोन विटामिन सी विटामिन ई को एक्टिव रखने में मदद करता है, ग्लूटाथियोन विटामिन सी एंड विटामिन ई को एक्टिव रखने में, एक्टिव सक्रिय रखने में मदद करता है, ग्लूटाथियोन विटामिन सी विटामिन ई को एक्टिव रखने में मदद करता है, इतना ध्यान रखना। ग्लूटाथियोन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, खूब ठूस रहे हो बाहर से इंजेक्शन ले लेके गोरा हो जाऊं फेयरनेस स्किन हो जाए, है ना, आप बहुत सप्लीमेंट ले रहे हो तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, क्या एडवर्स इफेक्ट है ग्लूटाथियोन का, देखो इन्फेक्शन हो सकता है,
स्किन पे रैसेस हो सकते हैं, सीवियर स्किन रैसेस हो सकता है, अल्सर हो सकता है ना, मेलानोमा, गोरा होने लेकिन मेलानोमा हो जाएगा। मेलानोमा आप जानते हो, मेलानोमा पढ़ाऊंगा मेलानोमा क्या चीज होती है, तो मेलानोमा हो सकता है, गोरे लोग में होता है मेलानोमा। किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल के रीजन में पेन होगा आपको, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, ये सारी चीजें है। हेयर कलर लाइट हो जाएगा, हेयर का जो कलर है एडवर्स इफेक्ट है, हेयर कलर लाइट हो सकता है, हल्का हो जाएगा हेयर का कलर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मल्टीपल पैचेस ऑन स्किन, स्किन पे बहुत सारे पैचेस पड़ सकते हैं, मल्टीपल पैचेस ऑन स्किन, ये ग्लूटाथियोन के एडवर्स इफेक्ट है। आप समझ सकते हो कितना बेकार इसका एडवर्स इफेक्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ बॉडी मेंटेन करता है, ये भी ध्यान रखना कि मेंटल हेल्थ जो आपकी बॉडी का है, फिजिकल हेल्थ है, उसको भी मेंटेन करने में ये काम आता है। एडवर्स इफेक्ट समझ लिया, और भी समझ लो फायदा क्या है इसके। फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। कैंसर वगैरह मैंने बता दिया, हार्ट डिजीज बता दिया, ब्रेन डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करता है, मैंने समझा दिया अच्छे फायदे हैं। ग्लूटाथियोन प्रिवेंट्स एजिंग, एजिंग को प्रिवेंट करता है, स्लो डाउन करता है एजिंग प्रोसेस को, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है ग्लूटाथियोन, एजिंग को प्रिवेंट करता है, और आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन को बनाता है, एजिंग को प्रिवेंट करता है, एजिंग प्रोसेस को धीरे करता है। ग्लूटाथियोन के इतने फायदे हैं, बाकी मैंने इसके जो एडवर्स इफेक्ट है मैंने आपको समझा दिया कि एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन का अलावा एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हेयर कलर लाइट हो रही है, थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, अल्सर वगैरह हो रहा है, सीवियर रैशेस वगैरह हो जा रही है, इंफेक्शन होता है, ये तो एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन फायदे देखो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फायदे भी है एडवर्स इफेक्ट भी है। तो ग्लूटाथियोन प्रिवेंट्स एजिंग एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन को बनाता है ये ग्लूटाथियोन, ये ध्यान रखना है, इसलिए लोग यूज कर रहे हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स यूर फ्रॉम पॉल्यूशन एंड फ्री रेडिकल, ये पॉल्यूशन से हमें बचाता है। पॉल्यूशन है, डाल देना पॉल्यूशन जब पढ़ाना लिखना जब राइटिंग में तो मेंस में। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से मुझे बचाता है हमें, और फ्री रेडिकल से डैमेज जो होती है उससे भी बचाता है। फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में सेल्स की डैमेज करती है उससे भी बचाता है, मैंने बार बार समझाया, कितने बार फ्री रेडिकल को समझाया है, ठीक है। तो दिस आल्सो प्रिवेंट्स यू फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचाता है, एंड फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाता है। फ्री रेडिकल डैमेज क्या होती है, फ्री रेडिकल डैमेज क्या होती है, योर सेल्स एंड टिश्यूज, जो हमारी सेल है टिश्यू होती है फ्री रेडिकल से डैमेज होती है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं वो फ्री रेडिकल समझाऊंगा, ये तो मैंने नहीं बताया ना कि फ्री रेडिकल क्या होती है, ये समझाऊंगा केमिस्ट्री में, बट अभी समझ लो फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, याद रखना। और फ्री रेडिकल कैंसर करता है, कैंसरस सेल बनाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट कोई भी एंटीऑक्सीडेंट होगा, विटामिन सी भी फ्री रेडिकल को काटता है, ये तो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन, तो समझ लो ये तो और काटता होगा, ठीक है। हेल्प्स टू गेट यंगर लुकिंग स्किन, ये हेल्प करता है कि यंगर लुकिंग स्किन हो, यंगर स्किन दिखे, अच्छा लुकिंग स्किन दिखे, स्किन लाइटनिंग में काम आता है ये, है ना, बहुत सारे इसके फॉर्म है। रिड्यूस करता है स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के पिगमेंट को कम करता है, रिड्यूस करता है स्किन की पिगमेंटेशन को, ब्लेमिशेस को कम करता है, लाइट स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, ये सारी चीजें आपको कम करता है, ब्लेमिशेस हुआ, लाइट स्पॉट हुआ, स्किन की पिगमेंटेशन हुआ, उसको कम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें ग्लूटाथियोन के आपको फायदे हैं, बाकी बाकी आपको इससे ज्यादा तो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है लोगों को इन चीजों के बारे में उतना। मैंने तो आपको बायोलॉजिकल पॉइंट तो बता दिया पहले ही, ये चीजें तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, अभी तो बचा मैंने अभी बहुत कुछ नहीं बताया है ग्लूटाथियोन के बारे में, अगर मैं बोलना चालू हो जाऊं तो आधा घंटा और मुझे बताना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका क्यों गोरा कर लेता है, किस एंजाइम को रोकता है बॉडी के अंदर, वो एंजाइम क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट को कम करता है, तो उस एंजाइम को रोक लो ताकि मेलानिन पिगमेंट बन नहीं ना पाए, तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो स्किन लाइट हो जाएगा, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ही होती है जो स्किन के कलर के लिए होती है। बहुत सारी कहानी है, इसमें काम चलती है ये, ठीक है ना, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट ये सब जानते हैं कहाँ इसको यूज करना है स्किन के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बाकी बात की बात होगी। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, दूसरा पेप्टाइड, ये पहला पेप्टाइड एग्जांपल लिया है, अभी दूसरा सुन लो। ऑक्सीटोसिन, ये तो नाम सुना होगा ना, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। देखो ये छोटे पेप्टाइड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा, पिट्यूटरी वगैरह, पीयूष ग्रंथि, वहां पे बताऊंगा, जाहिर सी बात है यहां पे तो मैं आ रहा है तो इसलिए बता दे रहा हूं, इसका नाम आ रही है, ठीक है। ये छोटे पेप्टाइड्स ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये ऑक्टा पेप्टाइड है, दोनों के दोनों ऑक्टा, जैसे वो ट्राई पेप्टाइड था, ये ऑक्टा पेप्टाइड है, ऑक्टा पेप्टाइड,
ठीक है, ध्यान रखना। कहीं कहीं आपको यह भी दिखा नहीं है 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ऐसा भी दिखेगा को कि 9, ये तो ऑक्टा मतलब 8 हो गया ना, तो ये 8 एमिनो एसिड से मिलकर, ऐसा भी दिखेगा कि 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है ऐसा भी दिखा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सिस्टीन, दो सिस्टीन, सिस्टीन प्लस सिस्टीन, आपको पता है दो मिलेगा क्या बनाते हैं? सिस्टाइन बनाते हैं, मैंने बताया था। देखो ये दोनों इनके अंदर में होता है, अगर ये दोनों को एक साथ ले लोगे तो ऑक्टा बोलोगे, क्यों? क्योंकि सिस्टीन नाम से आप जोड़ सकते हो कि दो को एक साथ ले लो तो ऑक्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को अलग अलग गिनोगे तो 9 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो ऑक्टा पेप्टाइड है ये दोनों, अगर दोनों को एक साथ नहीं जोड़ रहे हो, इंडिविजुअली जोड़ रहे हो, तो ये दो जुड़ जाएंगे ना, दो नाम आएगा ना, दो गिनती में आ जाएंगे ना ये, तो इसलिए 9 हो जाएंगे, 8 के अलावा 9 हो जाएंगे, इसलिए है क्योंकि ये दो एमिनो एसिड मिलकर सिस्टाइन बनाता है। तो सिर्फ सिस्टाइन को लोगे तो ऑक्टा हो जाएगा, अब दो को मिला के एक ही बोल रहे हो, लेकिन आप इंडिविजुअली दोनों को ले लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ऑक्टा के अलावा 9 हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो 9 एमिनो एसिड हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है किस तरीके से इसको डील कर रहे हो, ये दोनों को ले रहे हो कि सिर्फ अकेला इसको ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करता है, बाकी आप समझ सकते हो। इस लेवल पर तो बताना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्या करूं, ऑक्सीटोसिन बड़ा खतरनाक हार्मोन है, बर्थ हार्मोन है, लव हार्मोन है, बताना पड़ेगा, यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन कराता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। वैसोप्रेसिन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, डायबिटीज इंसिपिडस में रोल निभाता है, ये पढ़ाऊंगा जब डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ाऊंगा, डायबिटीज मेलिटस एक होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ये उसमें रोल निभाता है, इसकी हाइपोसिक्रीशन से बनता है डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपोसिक्रीशन कम हो गया, सिक्रीशन कम हो गया ना, तो वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन अगर कम हो गया तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि टेस्टलेस यूरिन, खूब यूरिन होगा, खूब पेशाब जाओगा, खूब जाओगा, खूब प्यास भी आएगी, खूब प्यास भी आएगी, खूब पेशाब भी जाओगे, ठीक है ना। ये वैसोप्रेसिन की हाइपोसिक्रीशन से होगा, कम सिक्रीशन हो जाए इसका, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बताऊं तो ब्रैडीकाइनिन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, बाकी आप जानते हो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन वगैरह है, बाकी इसकी चीजें मैं बताऊंगा कब, जब आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम में आऊंगा, जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बताऊंगा तब, ठीक है। बाकी तो ये समझ सकते हो कि ये ऑक्टा पेप्टाइड, ध्यान रखना ऑक्टा पेप्टाइड, बाकी सब कुछ समझ सकते हो। 8 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन 9 कब होगा? जब आपको इंडिविजुअली ले लोगे, सिस्टाइन सिस्टाइन, ठीक है, सिस्टीन सिस्टीन, ठीक है। तीसरा ब्रैडीकाइनिन, ओहो ब्रैडीकाइनिन, ये तो खूब स्टॉर्म चला है कोरोना में, ब्रैडीकाइनिन स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रैडीकाइनिन जो है एक तरीके से आप समझना है, तो ब्रैडीकाइनिन ये ऑक्टापेप्टाइड था, अगर आप ऑक्टा ले रहे हो, और मैंने समझा दिया इसको 9 कब बोलोगे, 9 एमिनो एसिड कब बोलोगे, जब दोनों को इंडिविजुअली लोगे, ठीक है। ब्रैडीकाइनिन 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 9 एमिनो एसिड, 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ, ठीक है, ब्रैडीकाइनिन 9 है इसमें। और इसका बताऊं आपको तो ये मोस्ट पोटेंट पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये पेन प्रोड्यूस करता है, पेन, दर्द, पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या है? वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर, ठीक है, पोटेंट वैसोडाइलेटर है, पोटेंट, क्योंकि पोटेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वैसोडाइलेटर हिस्टामिन मैंने बताया था ना, उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा वैसोडाइलेटर है ये, उससे भी खतरनाक स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर है हिस्टामिन से भी, हिस्टामिन में बताया था। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? वैसोडाइलेटर ये है ब्लड वेसल डायलेट कर गई, फैल गई, उसको वैसोडाइलेटर बोलते हैं। तो हिस्टामिन भी बताया था ना मैंने, हिस्टामिन भी वैसोडाइलेटर करता है, वैसोडाइलेशन करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैसोडाइलेशन में ये रोल निभाता है ब्रैडीकाइनिन, ठीक है। और ब्रैडीकाइनिन स्टॉर्म की कहानी बताऊंगा मैं, ब्रैडीकाइनिन समझ लो, तब जाके साइटोकाइन स्टॉर्म, ब्रैडीकाइनिन स्टॉर्म एक बार में करके बताऊंगा आपको, जो कोरोना में बहुत ज्यादा लोगों की जान लिया है, ठीक है, ये बताऊंगा आपको। अभी तो समझ लो ब्रैडीकाइनिन यही पे आ रहा है पेप्टाइड के फॉर्म में, देख लो छोटे छोटे पेप्टाइड है ये सारे, ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। और इसके बाद आपको बताऊं, ये डायलेशन जो करता है, ब्लड वेसल को जो डायलेट कर रहा है, किसके थ्रू करता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, NO जो होता है, और उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कराता है, जनरेशन कराता है, उसके माध्यम से ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ये NO और प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के माध्यम से ये प्रोस्टाग्लैंडिन NO का जनरेशन कराता है, जनरेट होती है, ये जनरेट कराता है इन दोनों का, इसके माध्यम से ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये मेडिएशन का काम करता है, मेडिएट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मेडिएट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के
ये मेडिएट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को, एनओ एंड इसके दोनों के प्रोडक्शन को करता है, जनरेट करता है, इसके माध्यम से ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है। ठीक है, एनओ तो वैसे और भी जगह यूज करते हैं, मैं बताऊंगा कि इस क्या कहते हैं पेनिस इरेक्शन में भी यूज किया जाता है। पेनिस इरेक्शन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब होती है तो एनओ का यूज किया जाता है। ठीक है, बताऊंगा जब रिप्रोडक्शन पर आऊंगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब पेनिस की है तो वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, एनओ को। ठीक है, क्योंकि वैसो डायलेटर है दोनों, ठीक है, वैसो डायलेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, और ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाए ना तो पेनिस का इरेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये क्या होती है दिक्कत मैं बताऊंगा किन पेशेंट में यूज किया जाता है ये, जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इतना ध्यान रखना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंजियोटेंसिन की बात कर लो, एंजियोटेंसिन तीन हो गया, चौथा बता रहा हूं पेप्टाइड, छोटा पेप्टाइड एंजियोटेंसिन चौथा। उसके बाद हम लोग सीधा एंट्री कर लेंगे प्रोटीन में, कौन कौन से प्रोटीन आपको पढ़ना है। ये छोटे हैं क्योंकि ये बताओ मैंने कुछ बताया अलग, ब्रेडिकाइनिन इतना चल रहा है, स्टॉम इसलिए तो समझा दिया, ब्रेडिकाइनिन यही आते हैं, ब्रेडिकाइनिन ऑक्सीटोसिन वगैरह कहाँ आता है मैंने बता दिया, वैसोप्रेसिन हार्मोन, बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में सीधा नाम लिखूंगा, बाकी आप समझ सकते हो कि यहां ऐसे था पढ़ना। ठीक है ना, एंजियोटेंसिन चौथा, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन क्या है, एंजियोटेंसिन देखो भैया रास सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, रास सिस्टम है ना, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन किडनी में होती है ना, वहां पे पढ़ाऊंगा आपको कि रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये रास सिस्टम पढ़ना है। और रास सिस्टम अगर जो लोग कोरोना की स्टडी कर रहे थे कुछ बहुत, अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो इनका नाम जरूर पढ़ोगे, और एंजियोटेंसिन का नाम जरूर पढ़ोगे, और एस टू का नाम जरूर पढ़ोगे, ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है एस टू के बारे में, पर ये सारा रिलेटेड है, सारा रिलेटेड है, अगर ये सब पता था ना तो लोग आंसर कर लेते, लेकिन कौन पढ़ाता है सर की ये, कौन पढ़ाता है? अब तो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आ गया, बाकी तो अरे बेसिक पढ़ाओ ना भैया, बेसिक बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, बेसिक बायोलॉजी पढ़ाया जाए, ठीक है ना, तब सब बनेंगे क्वेश्चन, बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रही है, वही कॉन्सेप्ट है सब कुछ, ठीक है ना, बाकी दिखाऊंगा आपको पेपर का सारा क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना। एंजियोटेंसिन वन और एंजियोटेंसिन टू दो होते हैं, एंजियोटेंसिन वन, ये एंजियोटेंसिन वन, एंजियोटेंसिन वन और एंजियोटेंसिन टू, ये छोटे छोटे पेप्टाइड है, ये 10 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, छोटा पेप्टाइड है, यही तो पढ़ा रहा हूं ना छोटे वाले, अभी 10 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 10 एमिनो एसिड है इसमें, ठीक है, और ये 8 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 8 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ, ठीक है, ये समझ सकते हो, 10 छोटे पेप्टाइड है सारे, 10 एमिनो एसिड से मिलकर वो बना हुआ है, 8 एमिनो एसिड से मिलकर ये बना हुआ है, दोनों को दोनों वैसो कंस्ट्रिक्टर है, एंजियोटेंसिन जो होते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, वैसो संकुचन करते हैं, मतलब क्या है, वैसो डायलेशन मैंने समझा दिया, हिस्टामिन वैसो डायलेशन कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा है, एनो कर रहा है, डायलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स को फैला रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, कम कर रहा है, छोटा कर रहा है, ये है ब्लड वेसल, तो ये छोटा कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ब्लड प्रेशर जो होती है ना उसको कंट्रोल किया जाता है, डायलेट करके या कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, कैसे किया जाता है अभी समझ लो बस इतना, बाकी मैं समझा दूंगा, इतना नाम पता होगा ना, बाकी मैं समझा दूंगा आगे चल के, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को ये ऐसे करके दो प्रोसेस होती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर लो या वैसो डायलेशन कर लो, इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को बीपी को कंट्रोल किया जाता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं ये दोनों, एंजियोटेंसिन की बात कर लो तो एंजियोटेंसिन क्या है, एंजियोटेंसिन की बात करोगे तो लीवर जो है एक तरीके से थोड़ा समझा देता हूं, लीवर जो है एक तरीके का प्रोटीन बनाता है, एंजियोटेंसिनोजेन, लीवर एक तरीके का प्रोटीन बनाता है, कंटिन्यूअसली प्रोटीन बनाते रहता है, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है रेनिन एंजाइम की सहायता से एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट होता है, रेनिन एंजाइम, आप कहोगे रेनिन एंजाइम तो मैंने पढ़ा है स्टमक में भाई, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन में मैंने पढ़ा है, नहीं भैया वो रेनिन नहीं है, वो रेनिन नहीं है, बस ध्यान रखना वो रेनिन नहीं है, ये रेनिन ये वाला है आर ENIN, ये रेनिन है यहाँ पे, वो जो स्टमक में पढ़ते हो ना प्रोटीन डाइजेशन में वो रेनिन RENIN होता है, डबल एन होता है वहां पे, ये रेनिन प्रोटीन डाइजेशन में यूज होता है, ये रेनिन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना, तो वो प्रोटीन डाइजेशन स्टमक वाला पार्ट अलग है, यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भैया अंतर है दोनों में, डाइजेशन में इनका नाम लूंगा मैं इसका, यहाँ पे रेनिन जो है ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन जो प्रोटीन बनाती है लीवर उसको कन्वर्ट करेगा इसमें एंजियोटेंसिन वन में, और एंजियोटेंसिन वन फिर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन टू एस एंजाइम के माध्यम से, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसके माध्यम से एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट होगा, और एस टू पे क्वेश्चन आ चुका है, एस टू याद है,
एस टू पे क्वेश्चन आया, यहाँ पे एस की बात मैंने कर ली, एस टू भी होता है एस भी होता है। एस क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन वन को कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन टू में, और एंजियोटेंसिन वन कैसे बन रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन था, रेनिन की सहायता से एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट हुआ, और उसकी सहायता से फिर एस की सहायता से एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हुआ, और यही एस है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इसी का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस टू पे क्वेश्चन आ चुका है, एस टू पे आया था ना, मेम्ब्रेन पे होता है, कोरोना वायरस यूज करता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो सोच लो कितना लिंक है, कितना लिंक है, एस यहाँ पे है, एस टू यही पे है, यही पे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समय आएगा, आप बस इतना ध्यान रखना, एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन बनाया लीवर ने, वो रेनिन की सहायता से इसमें कन्वर्ट होगा, और ये जो है एस की सहायता से एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और एंजियोटेंसिन जो होते हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन संकुचन करते हैं ब्लड वेसल्स का, ठीक है, इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, बीपी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, बाकी चीजें बाद में बात करूंगा, ठीक है, आई होप। और आगे क्लास में मैं अभी आपको ये सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको बोलते हैं, और डिराइव प्रोटीन क्या होते हैं, इसमें पढ़ाऊंगा आपको एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, कोलाजन क्या है, इलास्टिन क्या है, ओसिन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ानी है, ये सब कुछ आएगा आपका एग्जाम में, आते हैं घुस फिर के सब कुछ आते रहते हैं, प्रोटीन को समझना आपको, ठीक है। उसके बाद लिपिड पढ़ेंगे, लिपिड क्या है पढ़ाऊंगा, जितने भी फैट होते हैं वो सब लिपिड होते हैं, ऑल फैट्स आर लिपिड, लेकिन सब लिपिड फैट नहीं होते, मैंने बार बार बोला हूं, फिर फैट लिपिड में लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन फैट सारे फैट लिपिड होते हैं, लेकिन हर लिपिड फैट नहीं होता, ठीक है ना, तो ऑल फैट्स आर लिपिड बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ओके, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, और जितने लोग अच्छा लग रहा है लोगों को, तो जितने लोग पढ़ेंगे, मैं इसलिए आया हूं, और अभी ये कर रहा हूं, साइंस टेक आएगी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बाद कंप्लीट करूंगा, इसी बीच में जनरल साइंस ला दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ला दूंगा, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ानी है, सब पढ़ा के दूंगा, और उसके बाद एग्जाम में कराता भी जाऊंगा, क्या मैंने कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट चल रही है, कॉन्सेप्ट बस इसी में से उठ उठ के क्वेश्चन बनेंगे आपके, बनते हैं इसी में से, कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।